दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो डाटा आप देख रहे हैं, मैंने जस्ट डायल से बस 1 मिनट में कॉपी करा हुआ है। देखिए, कैटेगरी, बिजनेस नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्ट कोड, है ना, कंट्री, फ़ोन नंबर, फैक्स, मेल, वेबसाइट, पूरी कंप्लीट डिटेल मैंने जस्ट डायल से कॉपी की हुई है बस 1 मिनट में। अब मैं आपको सिखाऊंगा ये कि आप भी कैसे जस्ट डायल का डाटा कम से कम समय में कॉपी कर सकते हो, चाहे जितना, और उसको अपनी एक्सेल फाइल में सेव करके रख भी सकते हो और उसको मोबाइल में भी सेव कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपन अपने उस पर आ जाएंगे, क्रोम ब्राउज़र पे, है ना। दोस्तों, ये क्रोम ब्राउज़र है, ये मेरा चैनल है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया हो, अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके बिल्कुल हमारे साथ जुड़िएगा और ऐसी जानकारी सीखते रहिएगा। दोस्तों, अब आपको सबसे पहले यहाँ पे ओपन कर लेना है जस्ट डायल डॉट कॉम को। ये देखिए दोस्तों, जस्ट डायल डॉट कॉम अपन ने ओपन कर लिया है। अब है जैसे मान लीजिए आपको डाटा चाहिए, एग्जांपल के लिए आपको स्कूल का डाटा चाहिए, जैसे मान लीजिए मुंबई का, भोपाल का, दिल्ली, कहीं का भी आपको चाहिए, तो यहाँ आप अपनी सिटी का नाम लिखेंगे। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ भोपाल, ये मैंने यहाँ पर भोपाल लिखा। अब मुझे भोपाल में स्कूल से निकालना है, तो यहाँ पर मैं स्कूल लिख दूंगा, स्कूल, यहाँ पर मैं सर्च करूँगा। सर्च करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि आपके सामने भोपाल के जितने भी स्कूल इसके ऊपर हैं, ऐड हैं, सभी की लिस्ट आ जाएगी, है ना, और समथिंग इसमें पूरा बता देगा कितने स्कूल हैं। बहुत सारे हैं, मतलब अपन गिन भी नहीं पाएंगे कितने हैं। अब इनको अपन कैसे सेव कर सकते हैं, दोस्तों आप देख सकते हो, जैसे कि अपन इनको ऐसे करते हैं तो इसमें नंबर का भी कॉफी नहीं होता और ना ही ये अपन को मतलब अच्छे जम के अपनी एक्सेल फाइल में सेव होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम अगर आप एक नंबर लिखेंगे तो लगता है मुझे बरसों लग जाएंगे, तब भी आप इसका एक कैटेगरी डाटा नहीं निकाल पाएंगे। आप इसको निकालने के लिए सिंपल सा दोस्तों, जैसे मान लीजिए मुझे ये पूरा भोपाल का स्कूल का डाटा मेरे एक्सेल फाइल में सेव करना, तो उसके लिए क्या करूँगा दोस्तों, ये जो ऊपर लिंक दिख रही है मैं इसको कॉपी कर लूँगा और एक सॉफ्टवेयर है जो मैं आपको नीचे वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अब मैं अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लूँगा, यहाँ पर इसको लिंक को मैं पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद दोस्तों मैं इसको, ये एरो दिख रहा है, गो लिखा हुआ है, इसको दबाऊंगा। अब आप देखेंगे कि कुछ सेकंडों में ये पूरा पेज यहाँ पे लोड हो जाएगा जस्ट डायल का। देखिए दोस्तों, ये पूरा पेज जस्ट डायल का यहाँ पे लोड हो चुका है और सारे स्कूल आ चुके हैं। अब सिंपल मैं कुछ भी नहीं करूँगा, यहाँ पर लिखा हुआ है गेट डाटा, इस पर क्लिक करूँगा। आप देखेंगे दोस्तों, ये पूरे नंबर मेरे कंप्यूटर में सेव होना स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, ये सेव हो रहे हैं पूरे के पूरे, है ना। अभी पूरा प्रोसेस चल रहा है, जितने भी इसके पेजेस होंगे सभी पूरा ये सेव कर देगा मेरे कंप्यूटर में। जितने भी इसमें 1000 नंबर होंगे, 500 नंबर होंगे या 10000 नंबर होंगे, जितने भी होंगे ये पूरा कंप्लीट डाटा मेरे को सेव करके चंद सेकंडों में यहाँ पे सेव कर देगा। अब इसको मान लीजिए मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, अभी बहुत सारे डाटा होंगे, शायद मैं उसमें देख भी नहीं पाऊँ कितने डाटा है। एग्जाम्पल के लिए अपन इतना जितने इसमें सेव हो चुके हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, समथिंग 100-200 नंबर तो सेव हो ही गए होंगे इतनी देर में। पूरी कंप्लीट डिटेल जैसे आप देख सकते हैं, कैटेगरी, बिजनेस नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्ट कोड, कंट्री, फ़ोन नंबर, है ना, ये कंप्लीट इसमें और भी है, यहाँ से ऊपर नहीं आ रहा है, लिखता हूँ, रुक जाऊँ करके नहीं हो रहा है इसे। हाँ, आगे देखो, ये देखिए दोस्तों, ये सब पूरा कंप्लीट दिख रहा है आपके लिए, और ये अभी प्रोसेसिंग चल रही है। अभी इसने 30 नंबर इसमें अभी सेव कर दिए हैं, है ना, अभी इसकी प्रोसेसिंग चल रही है, ये कंप्लीट सेव कर देगा। अपन मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपको मैं इतने नंबर पर काम करके दिखाता हूँ। अब मैं इसको अपनी एक्सेल फाइल में कैसे सेव करूँगा आपको बता देता हूँ। जैसे मैं इसको अभी स्टॉप कर देता हूँ, मुझे इतने नंबर चाहिए, स्टॉप कर दूंगा, ये अभी स्टॉप कर दिया अपन दोस्तों, ठीक है। अब स्टॉप अपन ने कर दिया है, अब देखिए प्रोसेसिंग डन, स्टॉप हो गया। समथिंग इसमें मेरे हिसाब से 1000-1000 नंबर होंगे, लेकिन मैंने अभी आपको दिखाने के लिए कम टाइम में ही उसको स्टॉप कर दिया। पूरा प्रोसेस होता है तो ऑटोमेटिक वो प्रोसेसिंग डन हो जाती है और पूरे नंबर जितने भी उस पर होते हैं वेबसाइट पर इस टेक्सटाइल की, इस कैटेगरी से रिलेटेड, पूरे सेव हो जाते हैं। अब मान लीजिए मुझे नंबर पूरे कॉपी करना है मेरी एक्सेल फाइल में, तो यहाँ पर मैं Ctrl+S दबाऊंगा, तो Ctrl+A करके सब कुछ सेलेक्ट कर लूँगा और Ctrl+C दबाऊंगा दोस्तों, है ना। अब यहाँ से कुछ भी नहीं करना, ये कॉफ़ी हो चुका है। अब मैं यहाँ से अपनी एक्सेल फाइल को ओपन करूँगा। एक्सेल फाइल को ओपन करने का दोस्तों मैं यहाँ पे सिंपल Ctrl+V कर दूँगा। आप देखेंगे अभी ऐसे आ गए हैं, जब भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए क्या करना होगा कि आपको सिंपल एक इस पर क्लिक करना है, साइड में क्लिक करने के बाद Ctrl+A दबाना है और फिर आपको इस पर जाके साइड में राइट क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ये रो हाइट का, तो यहाँ पे आपको 15 डाल देना है और आप देखेंगे कि आपका पूरा डाटा ये इसमें सेव हो चुका है। दोस्तों देखिए, ये कैटेगरी का बाकायदा पूरा कैटेगरी लिखी आ रही है, बिजनेस नेम में पूरा आपको नेम भी दिख रहा है, इसको इनका नेम है, एड्रेस भी पूरा दिखाई दे रहा है आपको, देखो कंप्लीट एड्रेस ना, ये कंप्लीट एड्रेस दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप ध्यान देखेंगे सिटी भी दिखाई दे रही है, पोस्ट कोड भी दिखाई दे रहा है ना, वेबसाइट भी दिखाई दे रही है, उनकी गूगल मैप की लिंक भी है, अगर उन लोगों का कोई वेब पर लिंक है तो, है ना। आप नीचे आगे आएंगे तो आपको देखेंगे कि डिटेल में ये डिटेल आ रही है ना, ये फ़ोन नंबर आ रहे हैं, देखो दोस्तों ये पूरे कंप्लीट फ़ोन नंबर आ रहे हैं, है ना। अब इस फ़ोन नंबर में क्या है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये +91 करके लिखा हुआ है, तो इसको कुछ भी नहीं करना, सिंपल इतना अपन यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी कर लेंगे और कॉपी कर यहाँ पे जाएंगे फाइंड एंड सेलेक्ट पर और रिफ्रेश पर दबाएंगे। अब यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप 0 कर दीजिएगा और रिफ्रेश ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों आप देखेंगे कि आपका डाटा पूरा कंप्लीट ये
बाकायदा आ चुका है। देखो दोस्तों, इस साइड पूरा पे फ़ोन नंबर आ गए हैं, ये मोबाइल नंबर आ चुके हैं, और जो उनके जिस दिन लोगों के फ़ोन नंबर डले हुए थे ये फ़ोन नंबर आ गए हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम का समाधान मैंने कर दिया होगा, और अगर आपको मुझसे कुछ भी सीखने को मिला तो फिर भैया मुझे सपोर्ट कीजिएगा। ये मेरा चैनल टेक्निकल सर जी के नाम से बहुत मेहनत कर रहा हूँ, सपोर्ट कर दीजिएगा। और मैं ऐसी काफ़ी सारी वीडियो बनाता रहता हूँ और ऐसी प्रॉब्लम लेके आता हूँ जो शायद लोगों को बड़ी मुश्किल से मिल पाती हैं, और मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सिखाने की हर बात। तो प्लीज़ भैया मुझे सपोर्ट कीजिएगा।